खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। दोस्तों, मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। आई नजर डालते हैं खबरों की तरफ। हल्के विवाद को लेकर घर के बच्चों समेत महिलाओं को दबंगों ने घर में घुसकर पीटा। अयोध्या से हमारे संवाददाता अफसार की खास रिपोर्ट। घातक हथियारों से वार कर महिलाओं को लहू लुहान कर अस्पताल भेजा। बेहोशी की हालत व गंभीर स्थिति में होने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई, स्थानीय थाना लापरवाही। सिंगिद अधिकारी भी दबंगों को बचाने में निभा रही भूमिका। मामला है जनपद अयोध्या के खनासा चौकी अंतर्गत ग्राम ताजपुर का, जहां पर बच्चों को लेकर विवाद हुआ। विवाद में सुमन पत्नी राम किशोर के सर पर विपक्षी राजकुमार व रामसागर पूजा व निशा द्वारा पहले तो लाठी डंडे से पीटा गया, फिर विपक्षी दलों का लाठी डंडों से पीटने पर दिल ना भरा तो सर के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। कुल्हाड़ी सर के अंदर बैठ जाने की वजह से सुमन पत्नी राम किशोर बेहोश हो गई और उनको चिकित्सालय भर्ती कराया गया। वहीं चौकी खटासे में तहरीर देने के बावजूद कार्यवाही नहीं हुई, जिससे खटासा चौकी प्रभारी भी भूमिका बहुत ही संदिग्ध सामने आई। अभी क्योंकि इतना बड़ा जानलेवा हमला होने के बाद भी अभी तक FIR दर्ज नहीं किया गया, ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई। जहां एक तरफ योगी सरकार क्राइम खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से क्राइम को बढ़ावा। क्या मामला, क्या समस्या है? साहब, हम जब दूसरे के काम में रहे हैं साहब, डेयरी के दो धोरे डेयरी के यहाँ काम कर रहे हैं साहब। वाके बाद में फिर 12 बजे हमका यहाँ से एक जने जो हमारे साथी रात रहे हैं, क्या नाम है उनके? उनके नाम हिलाल साहब। तो एकदम झगड़ा लड़ाई छुड़ा दे साहब। अच्छा। फिर वहाँ के बाद ताले पड़े गए साहब। फिर वहाँ के बाद फिर वहाँ हंगामा सुन, फिर हमका आवाज़ दें साहब। वहाँ के बाद हम गए साहब, वहाँ के बाद दौड़ते गए साहब। तब तक मैं सबका हमारे मेहरारों का कुल्हड़ी लेके कुमारे या कुल्हड़ी मार के वहाँ के बाद वहाँ का सर काट दें साहब। और वहाँ के बाद फिर मैं जब मेहरारू हमारे ऊपर ही है गिर गए साहब, तो वहाँ के बाद हम फिर पहुँचे साहब। वहाँ के बाद फिर उठान अपने महारा सिद्धा साहब चौकी पर हम लेके गए। वहाँ के बाद चौकी वाले का एक जिन्हें उनके अनुज नाव साहब अनुज सिपाही। वहाँ के बाद साहब अपने गाड़ी लेके हमका हमारे औरत के अस्पताल गए साहब। वहाँ के बाद वहाँ एडमिट कराए साहब। वहाँ के बाद में वहाँ टाँका टोका जो लगवाए साहब। वहाँ के बाद फिर दूसरे हम शाम के लेके साहब आए गए उनका। कहाँ से लेके आए आप? खंडासा साहब, खंडासा। मेडिकल रिपोर्ट आपकी मिल गई थी? नहीं मिली थी सर, मैंने मांगा था सर, तो बोले उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं अनुज पुलिस को दे दूंगा, अनुज सिपाही को दे दूंगा। हाँ, अनुज सिपाही को दे दूंगा मैं। अच्छा। अब उसके बाद मैं वहाँ से साहब हमको मैं अरे शाम को वापस आ गया सर। अच्छा। फिर उसके बाद मैं सुबह सिपाही ने हमको बुलाया कि चौकी पे आना बेटा। सिपाही ने आपको बुलाया था चौकी पे? हाँ, 10 बजे आना सर। 10 बजे मतलब? हाँ। कौन सी तारीख का बात है ये साहब? 11 तारीख की बात है। 10 तारीख की बात है ये? एप्लीकेशन में आपको लिखा हुआ है 10 तारीख की बात है। हाँ, मतलब आप चौकी पे गए थे, आपने एप्लीकेशन लिखा है, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया चौकी? हाँ, चौकी खंडासा में आपने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई नहीं एक्शन लिया साहब। और किसने मारा है आपके वाइफ को कुल्हाड़ी से? राजकुमार किस्मता ने पकड़ा था। अच्छा। और राजकुमार राम सागर रवि ये तीनों मिलके डंडा उनके हाथ में था और कुल्हाड़ी राजकुमार के हाथ में थी। उसके बाद उठा के वार कर दिया हमारी मेरी औरत पर। आपकी औरत को कुल्हाड़ी से उठा के मारा है? हाँ, खींच के मारा, उसका सर फट गया सर। उसके बाद आपने खंडासा हॉस्पिटल लेके पहले गए? हाँ, खंडासा हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे टाका टूका वैसे लगा दिया सर, उसके बाल आगे थे अंदर में। तो उसके बाद मैं फिर दूसरे दिन रिसीव कराए यहाँ से, डॉक्टर बोले यहाँ तुम लेके जाओ फैजाबाद। फिर सर उसके बाद में मैं जब जाने लगा तो मेरे को सिपाही ने बोला पहले चौकी पाओ, उसके बाद फिर जाना। फिर अच्छा, मतलब आपके पत्नी की मतलब समस्या काफ़ी थी, बेहोश भी थी, हालत बहुत गंभीर थी साहब, उसके बावजूद भी वो जबरदस्ती आपको चौकी पे ले गए? हाँ, मतलब उन्होंने जो थाना अध्यक्ष वहाँ के थे, वहाँ के उन्होंने एक्शन नहीं लिया, मतलब FIR दर्ज नहीं किया जिसने मारा जी, मैं उनको एप्लीकेशन भी दिया था जी। जी हाँ, तो फिर उसके बाद मैं आया, फिर गाड़ी एम्बुलेंस में बैठा सर। उसके बाद उन्होंने फोन लगाया कि तुम कहाँ पे हो? हम बोला सर मैं तो अभी जा रहा हूँ अपनी औरत को लेके। तो फिर उसके बाद बोले तुम्हारा भाई? तो फिर हम बोला भाई मेरे साथ में है। तो बोले भाई को उतार दो तुम,
भाई को भेज दो और तुम जाओ। तो हम बोला भाई किसलिए आपके भाई को बुला रहे हैं? पता नहीं सर, हमको कुछ हम जाने नहीं आए, क्या करते क्या नहीं करते साहब। हम बोला भाई हमारे साथ में जाएगा, वहाँ की पुलिस आ रही है आपको बार बार ट्रांसफर कर रही है। मतलब आपसे पैसे वैसे डिमांड किया है? नहीं जी, पैसे की डिमांड तो नहीं किया था। बोला फिर कुछ ऐसे बोला था कि पहले चौकी पाना तो फिर वहाँ जिला अस्पताल लेके जाना। मतलब आपकी वाइफ की मतलब सीरियस बहुत बहुत ज्यादा एकदम बेहोश हो गई थी मेरी औरत एम्बुलेंस में सर। तो मैं अपनी औरत को देखूं कि पहले वहाँ चौकी भी देखूं सर। तो आपने क्या किया, पहले आपने चौकी भी ले गए थे? सुबह सुबह लेके गया था, फिर साहब जब बाद में एम्बुलेंस में डाला फिर नहीं गया सर। अच्छा। हम बोला पहले अपनी औरत की जान बचाऊं कि पहले चौकी पाऊं। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं बोला मैं अपने भाई के साथ में लेके जा रहा हूं सर। उसके बाद फिर गया मैं फैजाबाद डायरेक्ट सर। अच्छा, आप अपनी पत्नी को फैजाबाद लेके गए? जी। तो मतलब यहाँ से डॉक्टर ने रिफर किया था आपको? जी। तो मेडिकल में कुछ बताया क्या हुआ था? कुछ नहीं बताया सर। उसके बाद मेरी औरत का वैसे थोड़े थोड़े होश नहीं था। हाँ, वैसे अंगूठा उसके लगवा लिया था सर। अंगूठा भी लगवाया था? हाँ जी। किसने लगवाया था? ये बड़े डॉक्टर साहब। बड़े डॉक्टर साहब ने अंगूठा जबरदस्ती लगवाया था बेहोशी हालत में? जी। डॉक्टर का नाम क्या है? नाम तो नहीं मालूम सर, मैं पहचानता हूँ सर उनको। अच्छा, उनको आप पहचानते हैं। उन्होंने बेहोशी हालत में आपने देखा था कि उन्होंने अंगूठा लगवाया था? अच्छा, उनके होश नहीं था बराबर। और उसके बाद आप फैजाबाद लेके गए? जी। तो वहाँ पे आपकी महिला भर्ती है? वहाँ पे जी महिला तो भर्ती हो गई थी जी। मैं जब लेके गया था यहाँ तो उसका पूरा बाल जो टाका लगाया था सिर में सर, तो उसका सब बाल अंदर ही था सर। अच्छा। उसके बाद वहाँ पूरा टाका काटा गया, उसके बाद फिर दूसरा फिर उसको सब भरा गया साहब दवाई। परसों की बात है? कल शाम की बात है सर। कल शाम की बात है जी। आपने एप्लीकेशन भी डाला और अभी तक कोई एक्शन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं हुआ सर? मतलब आप न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ चाहता हूँ सर। और जिसने मारा है उसका क्या नाम है? राजकुमार सर। राजकुमार? हाँ। मतलब आपकी राजकुमार और ये सागर और रवि साहब और उनकी सब लड़कियां सब पकड़ी थी मेरी औरत को। मतलब सारे लोगों ने जुट के मारा था। उसके बाद में जब साहब दौड़ते आया तो उसका सिर फटा था सर। मतलब कुल्हाड़ी से उन्होंने मार दिया। तो आपके पास कुछ गवाह है? हाँ सर, है गवाह। कितने लोग आप बुलाइए? ठीक सर, मैं बुलाता हूँ। रमा शंकर उपाध्याय, ग्राम ताजपुर, चौकी आपके खंडासा पड़ता है जी। हाँ। तो इनकी पत्नी को जब मार रहे थे इनके रामकुमार, क्या नाम है इनका? राजकुमार। राजकुमार, आप अपने आँख से देखे थे कुल्हाड़ी से मारा था? हाँ बिल्कुल देखा। जब कुल्हाड़ी से आपके सामने मारे थे? हाँ मारे। तो खून खच्चर हो गया था तो यहाँ फट गया है सर बिल्कुल। अच्छा। उनकी औरत जो है किस्मता जो है वो लाठी डंडे से और उनकी बेटी निशा सागर ये सब इनके हाथ में लाठी डंडा, राजकुमार के हाथ में कुल्हाड़ी। राजकुमार के हाथ में कुल्हाड़ी थी और सारे घर वालों ने लाठी उठा के एक तरफा से मारना शुरू किया। और उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन वहाँ पे डाला थाना खंडा चौकी पे, तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई एक्शन नहीं। मतलब जिसने मारा वो यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं? वो घूम रहे हैं खुलेआम चौकी पर, घूम रहे हैं थाने पर, घूम रहे हैं। पुलिस दौड़ करके आती है इसके भाई को, जो मारा गया है उसके भाई को ढूंढती है, पूछती है। अच्छा, मतलब जो कि उनको पकड़ना चाहिए उल्टा इनको पकड़ रहे हैं? इनको पकड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी तक FIR नहीं दर्ज हुआ ना कोई कार्रवाई हुई? पुलिस की मंशा लीपापोती कर देने की है जी, इन्हीं को उल्टा फंसा देने की है जी। इससे साफ जाहिर होता है क्योंकि थाने का स्टाफ फेथफुल नहीं है जी। वो बहुत हरकतें कर चुके हैं जी। जी बताइए क्या हरकत किए? हरकत किए हैं कि एक बार मीडिया के सम्मुख उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने पैसा लिया, माफ़ी मांगे, सब कुछ किया जी। और तब आपस में मिल बैठ करके सुलह हो गई। तो इसलिए खंडासा थाने पर तो मुझे खंडासा चौकी पर मुझे न्याय की आशा नहीं है कि यहाँ का कोई अधिकारी, मतलब वहाँ का प्रशासन इंसाफ नहीं कर रहे हैं, उल्टा और उल्टा जो मारा गया है उसी को सता रहे हैं, उसी को सता रहे हैं, बार बार उसी को टॉर्चर कर रहे हैं। बाकायदे रोज पुलिस आती है, आज भी पुलिस आई थी। मतलब जिसने कुल्हाड़ी से मारा है वो अभी तक घूम रहे हैं, अभी तक उनको कोई कार्रवाई नहीं की गई? पुलिस का संरक्षण है तो क्या करेंगे? मतलब उन्होंने पैसा वैसा दे दिया है? बिल्कुल पैसा दिया होगा, यहाँ इसी वजह से घूम रहे हैं वो, कारण तो क्या होगा? तो इस मामले को आप कहाँ लेके जाएंगे? इस मामले को तो हम जहाँ तक जा सकते हैं, DM, SP, कमिश्नर, कचहरी, कोर्ट। क्या चाहते हैं आप यहाँ से अधिकारी का, जो यहाँ का थाना अध्यक्ष हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन न कराया जाए, मुकदमा पंजीकृत करके और वो दोषियों को उचित दंड मिले
कम से कम खोपड़ी फाड़ गई है और अब भी अदबेहोशी की हालत में है, कभी होश आता है कभी चली जाती है, होश चली जाती है, मर भी सकती है जी। ऐसी कंडीशन है। उसके बावजूद भी अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया ना, उससे बातें नहीं, उसके खुलेआम घूम रहे हैं, कोई भय नहीं, भय तो इन लोगों को है जी। और कोई जानकारी आप? अरे वो क्रिमिनल परिवार है। अच्छा। उसके घर में एक बार 10 लोग आए थे, सब चोर डकैत, और उसके घर में बलात्कार भी हुआ, यहाँ मुकदमा भी चला, सातों लोग जिला अस्पताल में भर्ती रहे। वो गुंडा गर्दी वाली पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, उन्होंने पैसा दे दिया इसलिए कोई शासन प्रशासन खुलेआम कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, जिसको जो करना है कर ले। बोले मैं पैसे के औकात दिखा दूंगा आपको। क्या बोले हैं वो? बोले राजकुमार बोले इनको मार दो, मैं पैसे का औकात जितना लगेगा मैं सब दे दूंगा। अच्छा, आपकी पत्नी को? हाँ सर। मतलब जी वो मतलब मारने के धमकी जी दे। बोले इनको मार डालो सब मिलके, उसके बाद जितना पैसा लगेगा मैं सब भर दूंगा सर। मतलब चौकी पे पैसा दे देंगे और पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रहेगा? कुछ नहीं सर। मतलब वहाँ को पैसा मिल गया इसलिए वो आजादी से घूम रहे हैं? कुछ नहीं सर जी। और आपका बच्चा कितने महीने का है? बच्चा सर 1-8 महीने का, 1.5 साल का, 10 साल का सर। तो बच्चा को कौन? बच्चा को यहाँ छोड़ दे रहा हूँ दूसरे गाँव वाले सर। मेरे बच्चे मेरी वाइफ वहाँ पे है सर, मैं दूसरे भरोसे सौंप के जा रहा हूँ सर। बताओ अपने बच्चों को देखो कि वहाँ औरत को देखो सर, मैं नहीं होगा तो मैं सबको साथ में लेके जाऊंगा सर। मैं क्या करूंगा सर, मेरे बच्चे यहाँ रहेंगे, मैं वहाँ रहूंगा, मेरा दिन नहीं लगेगा। राजकुमार ने आपकी पत्नी को मारा था तो कितने लोग यहाँ पे गवाही थे, कितने लोगों ने सर, देखा था? पूरे आदमी उधर देखे थे सर। अच्छा, आप देखे जी? हम नहीं, कौन था आप? से तुम तो प्रोग्राम पर हाँ हम रही नहीं। आपका नाम? मेहलाल। ग्राम सभा यहीं का है आपका? ताजपुर। तो आपने क्या देखा था उस समय? इनका हम एक बार वो बल्ली लेके गए तो उसके बाद छोटे छोटे जदहान से होत रही। अच्छा। बस जदहान इतने बच्चे और मान लो 10-10 साल के रहे, उनको मारे लागे तो इधर बीच में आए थे, हम रोक लगा दिया है तो ढेके ढोरे में उतर गए। तो उसके बाद हम कहा कि इनका काफ़ी पकड़ लियो, मारपीट करता है। तो उसके बाद थोड़ी दूरी में हम बदली में चला गए, तीन मान में खोला मारपीट हुआ तो उधर पे आओ तो हो गया। मतलब पूरा खच्चर हो गया था? हो गया। आपके सामने कुल्हाड़ी से मारे थे? मतलब जी। आप अपनी आँख से देखे कुल्हाड़ी से मारा था? मतलब पूरा खच्चर हो गया था? हाँ, राजकुमार कुल्हाड़ी अंदर बहा के निकल ले, मतलब निकल गए, चौकी पे जाके पैसा दे दिया, आज़ादी से घूम गए जी। ये कहना है आपका? हाँ। और कोई है? आप काम पे था लेकिन मैं दिला रहा हूँ, हमारी औरतें थी, मैं काम पे था। हाँ, काम पे थी? नहीं, मैं काम पे था, औरतें हमारी थी, अभी बुला रहा हूँ। और कोई है? वही वही चलो वही अभी वहाँ औरतों को बुला रहा हूँ। आपका नाम? सर रामप्रीत नाम है हमारा। मैं तो सर न्यू भर रहा था जी, उसके बाद हमारे भाभी से बहस होने लगी थी जी। सर मैं वहाँ दौड़ा तो मेरे भाभी को राजकुमार ने कुल्हाड़ी से मार कर भाग रहे थे, उसके बाद मैं जब पकड़ने दौड़ा तो सर मेरे मारे थे दिल। सर ये किससे मारे थे आपको? डंडे से सर। डंडे से सर, ये खून जो जमा हुआ है? हाँ सर। उसमें टाका का लगा है? नहीं सर, गली से रुक गया खून। हाँ सर। तो डंडे से आपको मारे थे? हाँ सर। उनके बेटे किसने मारा था आपको? राजकुमार ने सर। राजकुमार ने मतलब आपकी भाभी को भी मारा, आपको भी मारा? हाँ सर, मैं बचाने चला तो फिर। अच्छा, आप बचाने गए थे? हाँ सर। और उसके बाद आपके भाभी को भी टॉर्चर कर रहे हैं और आपको भी? हाँ सर, मेरे भी पुलिस वाले भी पकड़ रहे हैं। पुलिस वाले आपको बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि आप थाने पर आइए? हाँ सर। मतलब यही कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। और कोई है? सुमन जी, क्या हुआ था आपके साथ? सर बच्चे लोग का झगड़ा हुआ था। बच्चों लोग का झगड़ा हुआ था? हाँ, मैं छोड़ा नहीं। किसने मारा था आपको? मुझे राजकुमार और उसका लड़का। राजकुमार ने आपको किससे मारा था? सर कुल्हाड़ी से मारा। कुल्हाड़ी से मारा था? हाँ, उसके बाद मैं कुल्हाड़ी से मारा। उनके लड़के ने किससे मारा था आपको? डंडा दिया था। डंडा से मारा था? हाँ। तो उसके बाद आप होश में थे, बेहोश में थे? उसके बाद मैं लेके आया, मेरे घर में कोई था नहीं, तो लोग उसके घर में मारा।
आपको घर में घुस के मारे थे? कौन कौन आपके घर में घुसा था? लड़की, लड़की का नाम? उसके बड़े वाले लड़के सागर, सागर लड़के का रवि, मतलब उनके पिताजी ने भी मारा है, राजकुमार ने भी, उनके लड़के ने भी और लड़कियों ने भी? नहीं, लड़कियों ने लड़कियों ने नहीं मारा, राजकुमार मारे और उसके लड़के पूरे परिवार मिलके मेरे घर में घुसे। मतलब राजकुमार उनके पूरे फैमिली पूरे परिवार वाले जो कि आपको मारे थे वो मारे, और राजकुमार ने कुल्हाड़ी से मार दिया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं। मतलब आपको जब कुल्हाड़ी से घर में घुस के मारा था उसके बाद फिर वो भाग गए थे वहाँ से? जो पुलिस प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया वहाँ पे खंडासा चौकी में? मतलब जब आप खंडासा हॉस्पिटल में ले गए थे तो डॉक्टर ने वहाँ पे क्या कहा था? कुछ नहीं किया सर, मुझे याद नहीं कि खंडासा लेके आया क्या। तो आपको तो चौकी वाले ने वहाँ पर खून भरा था, उसके बावजूद भी आपको बुलाए थे चौकी में, किसके बुलाए थे? क्या दास है? आप एकदम बेहोश थी। तो किस दिन की बात है ये? कल की बात है, परसों की है? परसों की बात है, परसों की है? कल तीन दिन हो गए, अभी तक कोई पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं हुई। सर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आपको इंसाफ में हम लोग दिलाएंगे, आप परेशान मत होइए, अब फिक्र रहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर उसको राजकुमार को गिरफ्तार कर, और मुझे इंसाफ, इंसाफ तो आपको मिलेगा ही। और कुछ कहना आपको? और मेरे काम का ना क्या वो मुझे कुछ याद नहीं। कान ना का किसी ने निकाल लिया? मैं बेहोश थी क्या वो। तो आपके साथ में कौन था उस समय? उस समय मुझे याद नहीं कौन था, कौन नहीं। मैं तो बेहोश हो गई कुल्हाड़ी मारने के बाद। आप बेहोश थी उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन आपको उठा के ले गई थी बयान लेने के लिए? मतलब उल्टा उनको कार्रवाई करना चाहिए, जिसने मारा है वो घूम रहा है। परसों की बात है, अभी तक कोई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इनसे कौन सी लड़ाई हुई थी, कितने कुल्हाड़ी से मारा है आपने? साहब कुल्हाड़ी से नहीं मारे। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? हमारे पास यही सबूत है कि हम कुल्हाड़ी से नहीं मारे। यहाँ की जो जनता बोल रही है वो झूठ बोल रही है। साहब कमक्खन माई की तरफ का हाथ था कमक्खन। अच्छा, आपने नहीं मारा है? हाँ। तो आपके पति ने मारा है? हमारे पति नहीं आ रहे हैं। आपके पति नहीं थे? आप तो यहाँ के लोग तो बता रहे हैं कि रात को कुल्हाड़ी से मारा है। ये बताओ थे कमक्खन मारा है? बताओ थे सामने आके बोले। खंडासा में आप अभी वो एडमिट थे, उसके बाद जिला में एडमिट है, अगर उनको कुल्हाड़ी से नहीं मारा गया है तो नहीं मारा। किसने मारा? लाठी से मारा है। हमारी लड़की पहले किसने मारा आपको? राम किशोर ने, रामप्रीत ने, राम किशोर ने। आपके पिताजी थे और आप वहाँ? वो सुबह से ही नहीं। और मामला है 12 तो कहने का मतलब आप लोगों ने नहीं मारा? नहीं मारेंगे साहब, हमको पता है। आप वहाँ पे कहाँ, कब कहाँ थी? साहब इसीलिए मेरी छोटी बच्ची थी वहीं पर खड़ी थी, उसको मारने के लिए वो राम की वहाँ पर उनके भाभी जो है दीदी को पकड़ के मतलब लटकाई थी नीचे को, इनका बाल पकड़ के नीचे को टी थी, तब रामप्रीत ने देखी मेरी बच्ची खड़ी थी, लाठी लेकर आए इसके ऊपर जैसे वार करने के लिए चले, मेरी दीदी बगल में थी, फिर वहाँ से आई जैसे बच्ची को मतलब इसके ऊपर लाठी से वार करने के लिए गए, बस ऐसे दीदी आई बगल से ऐसे उठा के इसको ऐसे लेके भागी, बस सबसे फिर इनकी बात मतलब इनकी भाभी जो थी वो पीछे कहा छूट गया, तो दीदी आके इनको जैसे गोद में लिए तो वो पीछे से फिर इनको पकड़ने के लिए दौड़ी, बस वो लाठी जो लिए थे दीदी को ऊपर मारने के लिए ऐसे ताने थे, बस वही लाठी उनके भाभी को लगी। और पापा हमारे सुबह 7 बजे ही यहाँ से निकल गए थे, गांव में कोई भी इंसान अगर कोई कह रहा है कि उनके पापा यहाँ पे थे सामने आके बोले हम उसकी बात मानेंगे, कोई भी इंसान बच्चा भी कहती कि राजकुमार यहाँ पर थे तो सामने आके बोले। आपके पापा यहाँ नहीं थे जब ये बात सुबह थे 7 बजे तक, लेकिन जब ये बात हुई उसके 3-4 घंटे पहले से वो ना थे, और जब ये बात घर में तो कोई भी क्या सबूत है, वीडियो भी बना है शायद पुलिस थाने में होगा, उस हमें तो नहीं पता क्योंकि हम वहीं पर थे, और लेकिन कोई भी इंसान घर पर छोड़ नहीं थे, तो आप जा रहे हैं वहाँ पे।
बात सही है आपकी। हमारे पिता है।